छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान का दौर सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका है। मतदान का रुझान भी प्राप्त होने लगा है और सभी मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदाताओं की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। लगभग सभी बूथों पर अब तक किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने भी अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र में जाकर मतदान किए हैं। इसके साथ ही लगभग सभी अधिकारी कर्मचारी सहित प्रत्याशी भी बतौर मतदाता वोट डालते दिखाई दिए हैं। लगभग सभी जिलों की स्थिति इसी प्रकार दिखाई दे रही है। इसी तरह मतदान केंद्र में लगे वाटर सेल्फी पॉइंट पर मतदान देने के बाद वाटर सेल्फी लेते भी नजर आए। लगभग सभी मतदान केंद्रों में युवाओं का खासा जोश दिखाई दिया है। इसके साथ ही वयोवृद्ध मतदाता भी वोट डालने से नहीं चुके और सुबह 10 बजे तक छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा सीटों पर करीब 11% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वरूप बताएं कि अभी तक की क्या स्थिति है। अपडेट जो हुआ है, जो सुबह 7 बजे हिंडरा नवागढ़ में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होना है और बाकी जो 69 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होना है। इसमें अब तक जो चीज जो स्पष्ट की गई है उसमें लगभग 11% मतदान हो चुका है। उसमें सबसे ज्यादा जो है गरियाबंद जिले के राजिम में 10.5% मतदान हुआ है और सबसे कम जो है शक्ति में 2.69% मतदान हुआ है। साफ जाहिर है कि मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि ठंड की बयार है, ठंड की बयार के बीच भी लोगों का रुझान काफी अच्छा दिख रहा है, उत्साहपूर्वक दिख रहा है। लोग मतदान के लिए सुबह से ही निकल चुके हैं। सुबह से निकलने के कारण लोगों में खासा उत्साह जो देखा जा रहा है उसमें बढ़ोतरी होने की काफी गुंजाइश वो देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये देखा जा रहा है कि उत्तर विधानसभा जो रायपुर का उत्तर विधानसभा क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में 200 लगभग बूथ बनाए गए हैं। उन 200 बूथ में पूरे बूथ को पिंक बूथ बना दिया गया है, यानी कि महिलाओं की जवाबदारी वहां पर सौंप दी गई है। महिलाएं जो है वहां पर पूरी तरह से अपना कमान संभाली हुई है। पीठासीन अधिकारी से लेकर सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और यही कारण है कि उसे पिंक सिटी किया गया है। उत्तर विधानसभा का क्षेत्र है, ये ऐतिहासिक मामला है, ये ऐतिहासिक है। ये सबसे पहला बार हुआ है जो पूरे एक विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह से पिंक बूथ के हिसाब से बना दिया गया है। स्वरूप बताएं कि सुरक्षा को लेकर क्या, कैसे चाक चौबंद कैसे है वहां की? देखिए, सुरक्षा को लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ के जवान जो है वो मौजूद है ताकि किसी अप्रिय घटना ना हो पाए। इसी कारण सब पूरे मुस्तैद हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक इन 70 विधानसभा में एक विधानसभा क्षेत्र जो विंद्रा नवागढ़ है वो नक्सल बेल्ट कहा जाता है। यही कारण है कि सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ मतदान होगा। उसके बाद फिर बाकी दूसरे जगह पर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि पेंड्रा में ईवीएम की जो वीवीपैट जो मशीन है वो पहले खराब आई थी, मॉकड्रिल हुआ था, मॉकड्रिल के दौरान वो खराब पाई गई थी, लेकिन इसे तुरंत सुधार लिया गया है। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें यहाँ पर नहीं आई है। किसी भी क्षेत्र में या कहीं भी कोई भी अब तक इस तरह का कोई मतदान या ईवीएम खराब होने की बात किसी तरह कहीं से भी जानकारी नहीं मिली है। स्वरूप, हम समय समय पर आपसे संपर्क करते रहेंगे अपडेट जानने के लिए। बाकी अभी जानकारी के लिए आपको धन्यवाद।